इंटरलॉकिंग वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लुधियाना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें इंडस्ट्री को आ रही मुश्किलों के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान इंडस्ट्री मालिकों ने बताया कि यह सरकार तो मंगा है अभी। पहली गलत सरकार दे सरकार दा इंटरलॉक इंडस्ट्री वाले पास ध्यान ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सरकार दा इंटरलॉक इंडस्ट्री वाले पास ध्यान ही नहीं। एक साल हो गया सरकार नवी बनी ने। पहली सरकार ने चलो इंटरलॉक प्रोजेक्ट पंजाब नूं डिक्लेयर किया सीगा, पर जो नवी बनी सरकार उन्हें अगर ध्यान नहीं दिता। इस टाइम जी इंटरलॉक इंडस्ट्री के हालात है वो बंद होने के कंडे आ। ये असी एक उपराला किया भी इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री जी सारी हैगी मंदे के दौर से गुजर रही है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया। असी साढ़े जो बंदे वो क्वालिटी नाल समझौता करते तो रेटा नाल रेट घटाते थे, आप रेट नाल समझौता करते थे, क्वालिटी भी डाउन करते थे। असी ये अज किया एसोसीएशन बना के सारे महकमे असी बुलाए हुए ने, इतने बेनती की उन्होंने सारे महकमे आए वो असी जी क्वालिटी है वनू असी ज़्यादा तरजीह देनी है क्वालिटी के ते जिहड़ी रेट दे विच उहदे विच कोई उह नहीं होगा। सरकार तो की मंग करदे? सरकार तो मंग यही करदे आ भी सानू गाइड करन कहे जी जिहड़ी क्वालिटी टॉप क्वालिटी देवांगे BIS दे मापदंडां दे मुताबक, तो वह जिहड़ी क्वालिटी लैण तो पहलां अपने जो भी इन्हां नूं साडे च कमी पेशी है वो साडे नाल दरपेश होणगे, वो साडे नाल सांझियां करन।